हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे और एक नए ब्लॉग पे। तो सुबह सुबह उठ गया, पूरा बारिश दे रहा है गाइस, देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए पूरा बारिश ही बारिश दोस्तों। देखिए मैं मतलब जस्ट बेड से उठे हैं और एकदम पूरा बारिश देने शुरू हो गया, तो मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट ही कर दिया गाइस। तो एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार का वजह से मेरा फाइनली 1K कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। बहुत बहुत दिल से थैंक यू यार इतना तक पहुँचाने के लिए। और बहुत काफ़ी दिनों से सोच रहा था कब होगा ऐसा हो रहा था, तो फाइनली हो चुका है दोस्तों। और एक्चुअली मेरा कल ही हो चुका था और सोचा था कुछ पार्टी वगैरह केक काटेंगे थोड़ा छोटा मोटा, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि ये है ना पैसा का वजह से। तो नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं, तो पार्टी करेंगे। तो प्लीज़ प्यार बनाए रखना आप लोग का, मैं मेहनत करते रहूँगा दोस्तों। तो सब कुछ जो भी है आप लोग का ही वजह से है। तो फिलहाल के लिए बारिश जोर से दे रहा है, तो आज कल को तो कितना धूप दे रहा था, मेरा लिटरली सर दर्द गया था गाइस। तो काम करते करते मामा का वहाँ पे और पूरा धूली ना पूरा वो सरसों का वो कारण काम करने से वैसे होते रहता है दोस्तों। तो जैसे तैसे मतलब कंप्लीट कर चुका है और घर में भी पहुँचा दिया। तो आज को देखिए पूरा बारिश दे रहा है और ठंडा ठंडा भी लग रहा है दोस्तों। तो ऐसे हो रहा है, एक दिन धूप देता है तो नेक्स्ट दिन पूरा बारिश देने स्टार्ट हो ही जाता है। अरुणाचल में दोस्तों पूरा मानसून स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ दिखाते रहूँगा। आज तो बारिश दे रहा है तो देखेंगे काम करने मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर भी आप लोगों को ज़रूर दिखाने का कोशिश करते रहूँगा कुछ ना कुछ दोस्तों। प्लीज़ बने रखना और प्यार देते रहना ऐसे ही। फिलहाल के लिए 6 बज चुका है और पूरा अंधेरा जैसे ही दिख रहा होगा क्योंकि बादल वगैरह पूरा बारिश दे रहा है इसके वजह से। और मैंने ब्रश किया ही नहीं, मुख भी नहीं धोया, मैं जस्ट उठ के मतलब स्टार्ट कर दिया ब्लॉगिंग करने के लिए दोस्तों। तो बारिश रुकने के बाद ब्रश वगैरह करेंगे। तो दोस्तों पूरा 7 बज के भी पार हो चुका है और अभी बारिश थोड़ा सा रुका हुआ है, पूरा अच्छे से तो रुका नहीं है। तो अभी ब्रश वगैरह कर लेते हैं दोस्तों, फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। तो बारिश देखते हैं रुकता है या नहीं रुकता है, फिलहाल के लिए तो थोड़ा सा रुका हुआ है, बाद में रुकने से फिर मामा का उधर जाएंगे, कुछ व्लॉगिंग वगैरह काम करेंगे दोस्तों। फिलहाल के लिए बने रहिएगा, ब्रश वगैरह कर लेते हैं दोस्तों। आकाश का देखिए न हाल, पूरा बादल ही बादल है, पूरा बादल गरज रहा है पूरा। तो दोस्तों फाइनली मैं निकल गया अभी मामा को वहाँ जाने के लिए और मामा ने कॉल भी किया था मेरे को आने के लिए और बम्बू काटेगा बोल के बोल रहा था। तो अब जाएंगे वहाँ पे, थोड़ा उनसे भी बारिश तो दे ही रहे, बारिश पूरा अच्छा से रुकना पड़ेगा तभी बम्बू कटाई होगा। तो जाएंगे वहाँ पे और मैं जाते मतलब वो बाल भी कटाना है मेरे को, तो वहाँ पे जाके बाल भी कटा लेते हैं, बाल भी बहुत लंबा लंबा हो चुका है। और पंकज को भी मैंने कॉल किया था, वो भी आएगा बोल रहा था। तो अभी सीधा चलते हैं वहाँ पे, बने रहिएगा दोस्तों। फाइनली मैं पहुँच गया मार्केट पे, यहाँ पे सैलून है तो यहीं पे बाल कटवा लेते हैं फटाफट से और उसके बाद डायरेक्ट चला जाते हैं मामा का वहाँ पे। गाइस तो बने रहिएगा। दोस्तों फाइनली बाल भी कटा लिया और कुछ रिजल्ट ऐसा निकला गाइस, पूरा सिंपल टाइप से काटा है, ज़्यादा वो नहीं। और बाल काटते काटते पूरा बारिश देने पे स्टार्ट हो चुका है देखिए दोस्तों। और फाइनली मतलब लकीली मैंने अम्ब्रेला लेके आया था, तो अभी अम्ब्रेला है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा चलते हैं, बने रहिए दोस्तों। ये देखिए तो दोस्तों फाइनली हम लोग ने नदी भी क्रॉस कर लिया, पंकज को मैंने फ़ोन करके बोला था तो पंकज यही नदी पे वेट कर रहा था, तो मैं आते आते थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी हम लोग दोनों नदी क्रॉस हो चुका है, ये देखिए पंकज भी आ चुका है, पंकज ब्लॉगर है। और ये देख सकते हैं आज जा रहा है ना हम लोग फिर से, मैं तो 3 दिन का बाद जा रहा हूँ समय पर। अच्छा अच्छा, काम था ना पूरा, काम था और ये क्या बोलते हैं घर पे अकेला है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी हम लोग चला जाते हैं दोस्तों, बने रहिएगा, सीधा मामा को वहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गया मामा का यहाँ पे और समीर राय ब्लॉक्स। तो अभी यहाँ पे आ गया तो थोड़ा सा बैठ लिया और चाय वगैरह पी लिया, उसके बाद में अभी फिर से काम करना पड़ेगा। तो बम्बू फाड़ना है बोल रहा है मेरे को, क्योंकि मतलब उस दिन मैंने फाड़ के थोड़ा सा बचा हुआ था उसी को अभी फाड़ने बोल रहा है। तो अभी मामा और ये पंकज जो वो दोनों मतलब उधर बेरा लगाएगा बोल रहा है बम्बू वाल। और अभी हम लोग, अच्छा हम लोग फाड़ेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, उधर भी लगा, क्या करना है इधर? अच्छा अच्छा, तो अभी मतलब वही करेगा और मैं बम्बू फाड़ेगा थोड़ा, तो वो लोग मतलब वो करेगा बोल रहा है। तो बने रहिएगा दोस्तों, बारिश भी थोड़ा थोड़ा दे रहा है तो फटाफट करना पड़ेगा।
बारिश तो आज पूरा दिन भर दे रहा है, सुबह से दे रहा है दोस्तों, और अभी तो फिलहाल जोर से नहीं दे रहा है, कम कम से दे रहा है, फिर भी दे ही रहा है मतलब ना। तो बने रहिएगा, काम कर लेते हैं, ज़्यादा तो करने नहीं मिलेगा क्योंकि लेट हो चुका है बारिश की वजह से। तो एक डेढ़ घंटा जितना भी हो सके करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी मेरे को ये करना पड़ेगा, देख सकते हैं आप इतना सब बचा हुआ था, तो इसी को अभी फाड़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रेडी करके रख लिया, दाव भी यहाँ पे है, तो उस दिन को यहाँ फाड़ के यहाँ पे रखा हुआ था। तो अभी वहाँ पे बेरा भी बारना है, हाफ ही बेरा लगा के रखा हुआ है, तो वो सब करते हैं क्योंकि बारिश भी दे रहा है। तो अभी बारिश तो मतलब थोड़ा थोड़ा दे रहा है, मतलब जोर से देने से पहले ही मतलब ये सब काम करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये सब फाड़ने के लिए बाहर में फाड़ना पड़ता है। तो अभी फाड़ लेता हूँ मैं, उसके बाद वहाँ पे बेरा भी लगाना है, वो भी कर लेते हैं। और यहाँ पर इतना बांस चुका है, और इधर दादा पूरा चिम फुटा रहा है, और उधर पापा लोग कर रहे हैं, और यहाँ पर पंकज अंकल, और यहाँ पर दादा पूरा चिम फाड़ रहा है। उतना तो पूरा फाड़ चुका है, थोड़ा सा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पंकज यहाँ पे पूरा गड्ढा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है इतना सा मतलब थोड़ा सा बरामदा जैसा निकालने के लिए ये करना पड़ रहा है, क्योंकि इस यहाँ पे और यहाँ पे खुट्टी लगा के बरामदा बनाना है, तो इसीलिए यहाँ पे गड्ढा कर रहा है दोस्तों। देखिए पूरा लग रहा है, ओके ठीक है ठीक है, तो वही कर रहे हैं दोस्तों, देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा मामा बेरा लगा रहा है, देखिए दोस्तों मामा और माई से मिलके पूरा अच्छा अच्छा। तो पूरा यहाँ पे अभी ना बेरा लगा रहा है दोस्तों, पूरा इस साइड का तो कंप्लीट हो जाएगा ना आज। अरे यार रात को इसमें कंप्लीट करना पड़ेगा इस तरफ है क्या, ये तो हो ही गया, खत्म हो गया ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लग रहा है मामा और माइजू, देख सकते स्पीड कर रहा है क्या, आराम आराम से करो, देख देख के करना है ना, ज्यादा वो करेगा तो भी फिर वो हो जाएगा ना। अरे भाई टाइम जा रहा है ना, और उपाय भी नहीं है ना, आराम से जल्दी होता है। और अभी तो परसों का भी काम खत्म हो गया ना, अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पे मामा लग रहा है, और यहाँ पे पंकज पूरा यहाँ पे गड्ढा खन रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, बापरे पूरा कंप्लीट हो गया क्या, इस तरफ का हो गया, देखते हैं गाइस। ओ हाँ हाँ यहाँ पे पूरा हो गया, और यहाँ पे अभी कंप्लीट कर रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मतलब बेलकुनी जैसा निकालेगा, तो बर्तन वगैरह धोने के लिए इसीलिए यहाँ पे निकालेगा बोल रहा है, और मैं वहाँ पे लग रहा हूँ क्योंकि उस दिन नहीं मतलब वो करके रखा वाला कंप्लीट नहीं हो चुका था मेरा हाथ का वजह से, तो वो अभी कंप्लीट कर रहा हूँ मैं दोस्तों, बने रहिएगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इतना सा हो गया, और अभी थोड़ा सा बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं गाइस। अभी यहाँ पर देख सकते हैं भैया पूरा बम्बू फाड़ने में लगा रहे हैं पेड़ से, और उधर पर जो कैमरा वहाँ पर रखा हुआ है मोबाइल रखने वाला, रोहित वहाँ से हटो, इस तरफ पाव कट जाएगा यहाँ पर, फिर देख सकते हैं भैया पूरा चिम बना रहे हैं ना, उस दिन तो अच्छे से कर नहीं पाया था, दो टिंटू था, अभी खत्म हो गया यहाँ का, ये है ना लास्ट एक पीस है, ये खत्म होने वाला अभी
फिर से तो बम्बू लाके फटाना पड़ेगा। और पापा लोग तो उधर पर तारातारी कर रहे, पूरा पूरा खूटी लगाएगा बोल रहे उधर पर। देखिए पूरा मिट्टी निकाल रहा है ये बम्बू का, ऐसे ट्रेडिशनल टाइप से मतलब लोकल टाइप से बनाया हुआ है। देखिए गाइस कैसे निकलता है, पूरा ऐसा करके मारना पड़ता है, उसके बाद में मिट्टी निकलता है। गाइस देखिए ऐसा करके निकलता है दोस्तों, ये बम्बू का ही बनाता है। ये देखिए ये देखिए, आगे ना हम लोग का पिताजी लोग बुजुर्गो लोग ये सब यूज करता था, ये सब करता था ना पहले। आगे ये सब खंती उंती माटी खनने वाला नहीं, नहीं था। लेकिन ये ना आगे एकदम परंपरा से हम लोग पिताजी लोग का बाजे थे से चला के आया। अच्छा अच्छा, वो ऐसा ना, इसलिए मैंने वो पिताजी का देख के मैंने खुद बनाया। ओके ओके, तो अच्छा अच्छा, देख सकते आप ऐसा करके पूरा, हाँ पूरा मिट्टी निकलता है। ये देखिए दोस्तों पूरा, हाँ हाँ ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा करके ये लगा रहा है, ये बनाने का रीज़न है कि मतलब यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के लिए बरंडा टाइप का निकलता है, इसमें बेरा नहीं होता है, ये वाला सिर्फ चांग होता है, वो वाला बना रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए पूरा, और बहन और मैं तो वहाँ पे, वो पूरा मेरा तो मतलब बम्बू फाड़ने का ही हो रहा है, कितना दिन से बम्बू ही फाड़ रहा है। तो ये करना पड़ेगा क्योंकि एक एक तरफ लगना पड़ेगा। मामा होने से वहाँ पे बेरा लगा रहा है वाल बम्बू का, और पंकज होने से वहाँ पे खन रहा है, और मैं और बहन होने से यहाँ पे पूरा ये बम्बू फाड़ के इसका गांठी साफ कर रहा है दोस्तों। बने रहिए। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, चाय लेके आ गया माई जी, तो अभी चाय पी लेते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा मामा तो पूरा पी रहा है, देख से बाप रे, क्या दूध वाला चाय, पूरा प्योर दूध चाय। ओके, और यहाँ पे पंकज है, ये देख सकते हैं आप, और मेरा ये है, मेरे का तो बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि मैं इतना नहीं पीता हूँ, तो थोड़ा इसको 50 कर देगा दोस्तों। तो 50 करेगा तो यहाँ बर्तन पूरा रेडी है। ओके ओके, मैं यहाँ पे डाल देगा ना, बाद में गर्म पी के फिर पी के जाओ। ओके ओके, तो अभी चाय पी लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद काम पे लगना पड़ेगा। तो शाम भी हो चुका है, फटाफट करेंगे है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकता है पूरा, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो गया ना, तो इसको बाद में दिखाता हूँ दोस्तों, आप लोग बने रहिए। दोस्तों फाइनली खत्म हो चुका है, जितना भी था वो सभी कंप्लीट कर दिया, देखिए फाड़ के, और देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा रख रहा है बहन और मामा और पंकज, जो वहाँ पे वो पूरा गड्ढा करके खंबा पिलर लगा रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा मिट्टी भी डाल रहा है, मिट्टी डाल दिया। अच्छा पूरा हो गया ना मेजरमेंट। अच्छा अच्छा, ओके। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा दोनों तरफ हो गया, और यहाँ पे तो ये तो कल ही कंप्लीट होगा है कि नहीं, कल को ना, हाँ कल को ही कंप्लीट हो गया। अभी तो शाम भी हो चुका है और जाना भी पड़ेगा है कि नहीं, दूर भी है घर, तो फटाफट चलते हैं दोस्तों, बने रहिएगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मेजरमेंट कर रहे हैं दोस्तों। सकते हैं पूरा इसको मेजरमेंट कर रहे हैं, ये देखिए दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो पूरा खिल्ली मार रहा है दोस्तों, यहाँ पे पंकज हुआ और मामा यहाँ पे मिट्टी डाल रहा है, देखिए दोस्तों पूरा, हाँ हाँ। और इसको बोलता है डोको, ये मामा ने बनाया ना, कहाँ से लाया? मेरा ने बना के दिया। अच्छा अड़ोसी पड़ोसी, तो ये देख सकते हैं इसको बोलता है डोको, यहीं से हम लोग सब सामान वगैरह मतलब लकड़ी वगैरह जो भी चीज़ होगा यहीं से हम लोग बुक के। तो गाइस अभी फाइनली हम लोग ने जो भी जितना हुआ वो हम लोग ने कर दिया, और अभी हम लोग को जाना पड़ेगा घर, शाम भी हो चुका है।
तो अभी चलते हैं दोस्तों, जो भी हुआ थोड़ा सा बचा था जिम वो भी कर दिया कंप्लीट। और यहाँ पे बरामदा के लिए जो बर्तन वगैरह रखने साफ करने के लिए, ये जो किचन का बरामदा होता है तो ये भी कंप्लीट थोड़ा सा मतलब हुआ है, इतना सा खंभा वगैरह लगा दे और जो भी होगा कल होगा इसमें, तो यही करेंगे दोस्तों। चलते हैं मामा ना। हाँ, गुड नाइट, बाय बाय बाय, ओके ओके, तो चलेंगे दोस्तों। हाँ, काम नहीं होने से आ जाओ। ओके ओके, ठीक है। तो दोस्तों अभी फाइनली हम लोग पहुंच गए नदी पे और नदी क्रॉस करना पड़ेगा, तो अभी हम लोग को साइकिल बुकना पड़ेगा, साइकिल बुक के नदी क्रॉस होगा क्योंकि ब्रिज कम्प्लीट नहीं हुआ है। तो अभी नदी क्रॉस कर लेते हैं दोस्तों, तो बने रहिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ से अभी साइकिल बुक के पूरा ये साइड होके आराम से जाना पड़ेगा दोस्तों, अभी नदी क्रॉस हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा कंडा में ले लिया साइकिल, तो अभी पानी भी ज़्यादा कारण है और पत्थर है वो भी पूरा स्लिपी है, तो वही कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए बहुत, तो वहाँ पे देखिए पंकज पूरा देख रहा है वहाँ से, वो आगे चला गया दोस्तों। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ आराम आराम से। ये देखिए पंकज तो आगे आगे पूरा रेडी हो रहा है यहाँ पे, देखिए मेरे को रुक रहा है इधर। तो दोस्तों फाइनली घर में पहुंच गया और मैंने देख सकते हैं अपने बाल वगैरह भी काट लिया, और आज को ज़्यादा लंबा हो चुका था और आज को वही था, थोड़ा बहुत काम करके आया, बारिश का वजह से ज़्यादा भी करने नहीं सका। तो मेरा 1K भी कंप्लीट हो चुका है गाइस, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। तो आज का व्लॉग कैसा रहा आप लोग बताइए गाइस, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं कल और एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।